सभी मेरे प्यारे भाइयों को जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2024 में, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसकी रैली कब से स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ये बोल रहे हैं कि क्या अफवाह चल रहा है या झूठ चल रहा है, टीए आर्मी भर्ती नहीं आएगी, क्या सच है? तो इसी वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो मैं सभी भाइयों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो किसी भी वीडियो देखिए तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा कि आपको कुछ सही जानकारी प्राप्त हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। देखो, टीए आर्मी भर्ती आपको अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। आप लोग जानते भी हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, आपका अप्रैल या मई में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो अभी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है। अभी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका एग्जाम आपको फरवरी में करा दिया है। जनवरी, अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है आपका, जनवरी में इसका ऑनलाइन चालू चलने वाला है। दिसंबर से ऑनलाइन चालू है आपका और जनवरी तक चलेगा। इसके बाद आपको फरवरी में एग्जाम ले लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों इतना जल्दी एग्जाम ले लिया है? क्योंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसके कारण आपको दोस्तों टीए आर्मी भर्ती 2024 में आपको अप्रैल या मई में नहीं आएगी दोस्तों। मैं आपको ये वीडियो बस आप लोग छोड़कर मत चले जाइएगा कि मैं आपको इतना बता रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पूरी जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी विधानसभा का चुनाव चलेगा मई या अप्रैल में, तो बस आपका टीए आर्मी भर्ती का संभावना भी नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग अदर भर्ती देख सकते हैं दोस्तों। अरे, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, ऑफलाइन वैकेंसी निकलती है, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप, बहुत सारी इतनी वैकेंसी निकलती हैं कि आपको वही सेम आर्मी के जैसे, अभी आईआरबी वैकेंसी निकलती है। आईआरबी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आईआरबी एक ऐसी फौज है, स्टेट पुलिस होती है। अभी बहुत सारे बच्चों को आईआरबी के बारे में नहीं पता होगा, तो आज मैं थोड़ा आईआरबी के बारे में भी बता देता हूँ। आईआरबी की भर्ती आपको इसी मंथ दिसंबर में या जनवरी में आपको देखने को जरूर मिलेगी। और सारे बच्चे जो रहते हैं ना, कि एक ही भर्ती के पीछे पड़े रहते हैं और फिर बाद में रोते हैं, तो आप लोग एक ही भर्ती के चक्कर मत पड़ रहिएगा। आप लोग थोड़ा, मतलब अगर सीधे उंगली घी नहीं निकल रही ना, तो आपको टेढ़ी करनी पड़ती है। तो एक ही, आज के टाइम में आप एक ही भर्ती के चक्कर मत रहिएगा दोस्तों। आप लोग दूसरी भी वैकेंसी देखिए और देखते जाइए। और सबसे पहले ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग स्टडी जरूर करिए। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोग का सपना साकार नहीं होगा। आज के टाइम में आपको स्टडी जरूर करना है, 100% करना है। तो चलते हैं, अभी मैं तो बताने वाला हूँ कि आईआरबी के बारे में, ठीक है। आईआरबी में आपको बताऊँगा कि देखो, आईआरबी वैकेंसी आपको 4-5 जगहों पर देखने को मिलती है। जैसा आपका आईआरबी का उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, केरला हो गया, त्रिपुरा हो गया, और आपका ये राजस्थान हो गया। और मतलब बहुत सारी वैकेंसी हैं कि मतलब स्टेट पुलिस जो होती है ये सेम आर्मी के जैसा होता है, पूरा आपको आर्मी के जैसा AK-47 और आपको आर्मी के जैसे पूरी वर्दी, सेम उसी के जैसे, पूरा आर्मी के जैसा पूरा सेम आपको रहेगा, ठीक है। इसमें आईआरबी इंडियन एयर बटालियन, आप इसमें अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ये भर्ती फीमेल के लिए भी होती है, IRB वैकेंसी जो होती है फीमेल के लिए भी होती है। ये एक फौज है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आपको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे या यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा IRB भर्ती के बारे में। तो इसीलिए कहता हूँ एक ही भर्ती के चक्कर में मत पड़े रहिए, हर वैकेंसी देखिए ताकि आप सफल हो सके। यूपी पुलिस वैकेंसी आई उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, IRB वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको सही राय बताऊंगा। अभी TA भर्ती दोस्तों नहीं आई है, इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में न देखने को मिलेगा, ना जनवरी में, ना फरवरी में। ये आपको TA आर्मी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा विधानसभा चुनाव होने के बाद, शायद शायद मिल सकता है, लेकिन बट विधानसभा का चुनाव होने के पहले आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ दोस्तों, TA आर्मी भर्ती आपको बिना आपको विधानसभा चुनाव होने के बाद नहीं होगा। आप चाहते हैं कि फरवरी या मार्च में हो जाती है, आर्मी नहीं होगी जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, इसके बाद इसकी वैकेंसी भर्ती करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।